प्रदेश को समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में देश में पहला स्थान मिला है। प्रदेश में अभी तक 1,27,67,628 मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। पंजाब देश में दूसरे नंबर पर है। देश के सभी राज्यों का 33% उपार्जन मध्य प्रदेश ने किया है। पूरे प्रदेश में इस वक्त खुशी की लहर है क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस एमपी का रहा है। पूरे देश में 3,86,54,000 मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल गेहूं खरीदी में 74% की बढ़ोतरी हुई है। हमारे सामने चैलेंज था गेहूं की खरीदी का, बारदाने नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन हमने तय किया कि पूरा गेहूं खरीदेंगे। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि पंजाब अब तक ऑल टाइम रिकॉर्ड पंजाब का रहा है सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन का, उपार्जन का। मध्य प्रदेश ने आज पंजाब के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और पंजाब ने 1,27,00,000 मीट्रिक टन गेहूं उपार्जित किया था। मध्य प्रदेश लगभग 1,28,00,000 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन करके देश में नंबर एक का राज्य बना है। तब जब बारदानों का संकट, कोविड का संकट, इंदौर में तो खरीदी बहुत देर से शुरू हुई। आज हमने हिंदुस्तान का एफसीआई का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, हमने पंजाब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है गेहूं प्रोक्योरमेंट। आज तक एफसीआई का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा, पंजाब का रिकॉर्ड नहीं टूटा खरीद में, और मध्य प्रदेश ने ये उन विपरीत परिस्थितियों में गेहूं खरीदना प्रारंभ किया और मध्य प्रदेश ने दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए, एफसीआई वाला भी तोड़ दिया और ये भी हुआ, और देश के अंदर पहले स्थान पर मध्य प्रदेश आज पहुंच गया है।